क्या मास्टरबेट करने से कोई साइड इफेक्ट होता है और हफ्ते में कितनी बार हम मास्टरबेशन कर सकते हैं, क्या मास्टरबेशन करने से मसल लॉस होता है। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन। बट प्रॉमिस करता हूं ये वीडियो देखने के बाद मास्टरबेशन से रिलेटेड आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। रिसर्चेस के अनुसार 90% से ज्यादा मेल और 75% से ज्यादा फीमेल मास्टरबेट करते हैं। 2020 में हुई एक स्टडी जो कि इंडिया में की गई जिसमें 2000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 90% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि वो महीने में एक बार मास्टरबेट जरूर करते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मास्टरबेशन है क्या। मास्टरबेशन एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि हम खुद को सेक्सुअली प्लेजर करने के लिए करते हैं और आज की वीडियो में हम मास्टरबेशन को दोनों पहलू से समझेंगे, एक मॉडर्न साइंस और दूसरा आयुर्वेदा। बट वीडियो के अंत में मैं अपना व्यू पॉइंट भी जरूर दूंगा। व्यू पॉइंट जानने से पहले मास्टरबेशन के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि मास्टरबेट करने से आप ब्लाइंड हो जाते हो, आपके बाल झड़ जाते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हो या फिर इनफर्टिलिटी आ जाती है एक्सेट्रा। बट इन सभी की कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, इसीलिए ये सभी मिथ्स हैं। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मास्टरबेशन हार्मलेस है। इवन मास्टरबेट करने से आपके अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं लाइक ऑक्सीटोसिन, डोपामिन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से आपको फील गुड फैक्टर आता है। इवन मास्टरबेट करने से कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका मूड अच्छा रहता है, आपको नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और इवन आपका फोकस भी बढ़ जाता है। सेम टाइम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग मास्टरबेट करने से आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी एडिक्शन भी बन सकती है, और अगर आप दिन में कई बार मास्टरबेट कर रहे हो तो आप मानो कि आप इसके एडिक्टेड हो चुके हो, जिसके अपने आप में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि लो स्पर्म काउंट। ज़्यादा मास्टरबेट करने से बॉडी की टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कैपेसिटी पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो हो जाता है। ज़्यादा मास्टरबेट करने से धात सिंड्रोम भी हो सकता है, मींस जब आपका सीमेन यूरिन के साथ पास होने लगे, और लंबे समय तक अगर आपको ऐसा रहा तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो लोग ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अंडर कॉन्फिडेंट रहने लगते हैं। ऐसे लोग अधिकतर नर्वस रहते हैं और लंबे समय तक ऐसा रहने से उनको डिप्रेशन का खतरा भी हो सकता है। एक्सेसिव मास्टरबेट करने से आपका फोकस लूज होता है, जिसकी वजह से आप रोजमर्रा के काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में वीकनेस भी आ सकती है, जिसकी वजह से आप डेली टास्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आइए अब हम मास्टरबेशन को आयुर्वेदा के हिसाब से समझते हैं। हमारी बॉडी 7 धातु से बनी है, रस, रक्त, ममसा, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो भी आप फूड कंज्यूम करते हो उस फूड से इन सभी धातुओं यानी टिश्यूज को नरिशमेंट मिलती है, और रस से शुक्र धातु तक का जो नरिशमेंट का प्रोसेस है उसमें 35 दिन का समय लगता है। और जब ये सारे ही धातु नरिश हो जाते हैं अच्छे से, उससे बॉडी में एक वाइटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं ओजस, मींस इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। और शुक्र धातु ही मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। मास्टरबेट करने से जो शुक्र धातु है वो डिप्लीट होने लगता है और आपकी जो वाइटल एनर्जी है ओजस वो भी कम होने लगती है, जिसको अपने आप में बनने में 35 दिन लगते हैं, और ये सब होने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, मूड स्विंग्स, लेस कॉन्फिडेंस एक्सेट्रा। यानी कि मास्टरबेट करने से फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप अपने शुक्र धातु को रिटेन करते हो तो जो आपकी वाइटल एनर्जी है ओजस वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और आपके ब्रेन को बहुत ही पावरफुल तरीके से नरिश करती है। अब जो लोग फिटनेस में हैं और जिनको लगता है कि मास्टरबेशन करने से टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं और उनका मसल मास लॉस होता है, तो उनको ये समझना चाहिए कि स्पर्म सेल की भी एक शेल्फ लाइफ होती है, मीन्स आपके टेस्टिकल्स में स्पर्म जो है वो 75 डेज तक रह सकता है। अगर आप इजैकुलेट नहीं करते हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर नाइटफॉल के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। मीन्स अगर आप मास्टरबेट नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके सेल मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि मास्टरबेट करने से मसल लॉस होता है, इसकी कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। अब अगर आप मेरा व्यू पॉइंट जानना चाहते हो तो मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स योर चॉइस, आपको मॉडर्न साइंस को फॉलो करना है या आयुर्वेदा को। बट यस, वंस इन अ वाइल मीन्स हफ्ते में एक आधी बार करना इज फाइन, बट आप अपनी बॉडी को ज़्यादा बेहतर जानते हो तो यू आर द बेस्ट जज। बट
फॉर श्योर अगर आपको इसकी एडिक्शन हो गई तो आपकी लाइफ में मींस डेली रूटीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप मास्टरबेशन के एडिक्टेड हो गए हो तो आपको इन बातों को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज करो कि यस आपको मास्टरबेशन की एडिक्शन है। दूसरा, आप किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज करो। आपको कोई ना कोई हॉबी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, लाइक रीडिंग, राइटिंग, म्यूजिक एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है से नो टू पॉर्न कंटेंट। इसके साथ साथ आप योगा और मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हो। सो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक मास्टरबेशन के बारे में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर पाया हूँ। इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप सभी लोगों के समक्ष लेके आता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, नमस्ते।